थोड़ा बढ़ाना इसका, ड्रिबल दो भैया ड्रिबल। हेलो 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 हेलो, बढ़िया। उपस्थित मंचासीन सभी महानुभाव को सादर प्रणाम करते हुए जय जय सीताराम। लगातार इस दिव्य और भव्य दरबार गणेशा धाम बाचावानी में आप सभी की सेवा में आपका जाना पहचाना सुपरचित श्री सिद्धि विनायक भजन मंडल नीमिया सादर समर्पित है। आज फिर गजानन महाराज के दरबार में हाजिरी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। इसी बेला में सबसे पहले भगवान गणेश की वंदना, एक छोटी सी मानव चेतावनी और रामचरितमानस से भजन सुनाने जा रहा हूँ। उम्मीदें पसंद करेंगे हम, बच्चों का उत्साह वर्धन करेंगे। कहना है समाज में सबसे पहले गजानंद का ध्यान किया जाता है, क्योंकि 33 करोड़ देवताओं में प्रथम पूजे गए गजानंद महाराज, जिन्होंने पृथ्वी का चक्कर नहीं लगाया, अपने माता पिता की परिक्रमा की। क्या बात, विद्या और बुद्धि के भंडार गजानंद महाराज के श्री चरणों में मेरे गीतों का पहला फूल। कहना है ध्यान मूलम आ ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पादुका, मंत्र मूलम गुरुर वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा, गुरुदेव साक्षात पार ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कहना है कि माँ गिरजा के लाडले तुमसे मेरी कुशल कामना, अगर कहीं गिर जाऊं तो देकर सहारा मेरा। अर्चना की तरह ये काम करता हूँ, पूजा अर्चना की तरह ये काम करता हूँ, आप सभी को झुककर प्रणाम करता हूँ,
परमात्मा का तोहफा है, बख्शी है ये दौलत, गौरी माँ के लाडले तुमको प्रणाम करता हो। इसीलिए कहना है उनके सारे विघ्न दूर हो जाते हैं। वो तेरे नाम से देवा तर जाते हैं। कैसे तनाना दे रे धूम धूम तनाना रे तनाना दे रे धूम धूम तनाना रे तनाना दे रे धूम धूम तनाना रे तनाना दे रे धूम धूम तनाना तनाना दे रे धूम धूम तनाना रे तनाना दे रे धूम धूम तनाना रे तनाना दे रे धूम धूम तनाना रे तनाना दे रे धूम धूम तनाना रे। तर जाते हैं वो तेरे नाम से देवा तर जाते हैं वो तेरे नाम से देवा तर जाते हैं। कैसे जिसने सजदा किया उसका दुख हर लिया, जिसने सजदा किया उसका दुख, जिसने सजदा किया उसका दुख हर लिया, और मैंने तय कर लिया ध्यान ही धर लिया, मैंने तय कर लिया ध्यान ही धर लिया, मैंने तय कर लिया ध्यान ही धर लिया। मानव चेतावनी 84 लाख योनियों के बाद बड़ी मुश्किल से देव दुर्लभ मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ, और ये शरीर क्यों प्राप्त हुआ कि इसी शरीर के रहते उस परमात्मा का भजन कर सके। कहना है कबीरा जब पैदा भए जग हंसा हम रोए ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रो है कलयुग के बल कलयुग के बल हरी
गुण गाहा हर गावत नर पावै भव पारा गावत नर पावै भव पारा हे कलयुग जोगना कलयुग जोगना जग्यन जाना एक आधार राम गुण गावा आज ऐसा समय आया है कि कब ये सांसों की डोरी टूट जाए। संत महापुरुष सारा करते हैं कि हे मानव हर आया है वक्त बड़ा ही अनोखा हाँ भैया अपना ही देता अपनों को धोखा हर देह तो चाहे सुंदर लेकिन मनना चाहे कोई भी चौका मनना चाहे कोई भी चौका मनना चाहे कोई भी चौका नीति अनीति न देखे कोई नीति अनीति न देखे कोई अपने हित का देखे मौका कैसे हो पार भला भव सागर इतने विकार भरी है ये नौका इतने बेकार भरी है ये नौका कहना है कि अभी भी समय है हर सांसें टूटे जीवन जाए फिर सुंदर तन कौन रखाए इसीलिए ऐसे तन पर क्यों इतराए बिल्कुल न्यू गजल है भैया अनीस साबरी की। सांप डसे तो दोस्त बचाए और दोस्त डसे तो कौन बचाए कहना है हर सांसें टूटे जीवन जाए सांसें टूटे जीवन जाए सांसें टूटे जीवन जाए फिर सुंदर तन कौन रखाए फिर सुंदर तन कौन रखाए फिर सुंदर तन कौन रखाए ऐसा तन पर क्यों इतराए ऐसा तन पर क्यों इतराए ऐसा तन पर क्यों इतराए हरे रे मन हरी गुण क्यों नहीं गाए रे मन हरे 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 गुण क्यों नहीं गाए और बड़ी मुश्किल से मिला है जन्म ये सुन लेना बड़ी मुश्किल से मिला है जन्म ये सुन बड़े मुश्किल से मिला है जन्म ये सुन लेना हरि के नाम बिना इसको कमा मत देना हरि के नाम बिना इसको कमा मत देना हरि के नाम बिना इसको कमा मत देना कहाँ समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा में खड़ी नहीं रहती इसी प्रकार ये क्षणभंगुर शरीर है शायद दोबारा आएगा या मौका मिले कहना है हो जिंदगी हो जिंदगी की तो क्या सोचिए जिंदगी की तो क्या सोचिए एक दिन का भरोसा नहीं जिंदगी की तो क्या सोचिए
राम रतन धन क्यों नहीं पाए, राम रतन धन क्यों नहीं पाए, राम रतन धन क्यों नहीं पाए, राम रतन धन क्यों नहीं पाए। बात समय की, भगवान श्री राम को वनवास हो जाता है। पिता की आज्ञा में पिता के वचनों को निभाने के लिए राम जी आज वन गमन की ओर जा रहे हैं, साथ में माता जानकी। आज देखिए वनवास सिर्फ राम जी को हुआ लेकिन माता जानकी भी साथ में उनके साथ खड़ी है, और माता कौशल्या को अंतिम बार प्रणाम करने जाते हैं। क्या होता है, मात्सिया कहने लगी चलूंगी वन को साथ, जीवित ना रह पाऊंगी बिना आपके नाथ। कौशल्या कहे राम से रघुकुल धर्म निभाओ, अति कोमल पर जाने की वन को ना ले जाओ। माता जानकी भी कह रही, कहा स्वामी मैं कैसे रहूंगी यहाँ। राम जी समझाते, कहा सीते हा